क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ठीक है। डिटरमाइन स्लोप थीटा ए कॉमा थीटा बी, डिटरमाइन स्लोप थीटा ए कॉमा थीटा बी, डिटरमाइन स्लोप थीटा ए कॉमा थीटा बी एंड डिफ्लेक्शन एट मिड सेक्शन, एंड डिफ्लेक्शन एट and deflection at mid section for given diagram, deflection at mid section for given diagram। ठीक है, ये देखो यहां पे ऐसी आपकी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहां पे आपका ये यूडीए लगा हुआ है, सॉरी ये सिंपली सपोर्टेड है, ये ए है पॉइंट, यहां पे आपका आर ए रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है यहां पे? आर ए यहां पे रिएक्शन है। ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। ये लेंथ आपकी L/3, ये लेंथ आपकी L/3, ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी आपकी L/3 लेंथ हो जाएगी। ठीक है, कितना यहां पे लोड है? P यहां पे लोड इस पे लगा हुआ है एंड P लोड यहां पे इस पे लगा हुआ है, PP यहां पे लोड लगा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, P लोड आपका यहां है, P लोड आपका यहां पे। सो L/3 इस पे, L/3 इस पे एंड L/3 इस पे। ठीक है, आपको क्या करना है? डिटरमाइन स्लोप थीटा ए एंड थीटा बी एंड डिफ्लेक्शन एट मिड सेक्शन। मिड सेक्शन पे डिफ्लेक्शन की अपन बात करते हैं, मतलब यहां पे कितना डिफ्लेक्शन होगा। थीटा ए निकालना है, थीटा बी निकालना है और मिड सेक्शन पे डिफ्लेक्शन की अपन बात कर रहे हैं। मिड सेक्शन पे डिफ्लेक्शन की अपन बात कर रहे हैं, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा। यहां पे ये रिएक्शन आर ए है, यहां पे कितनी रिएक्शन आपकी आर डी यहां पे रिएक्शन है, ये आर डी रिएक्शन है और ये आर ए रिएक्शन है। सो आर ए और आर डी कितनी हो जाएगी आपकी? पी आपकी हो जाएगी। आर ए और आर डी कितनी हो जाएगी आपकी? पी हो जाएगी ना, सिमेट्री से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आर ए और आर डी कितनी हो जाएगी सिमेट्री से? पी। सो आर ए इक्वल टू आर डी, कितना हो गया आपका? पी आपका हो गया। आर ए इक्वल टू आर डी कितना हो गया आपका? पी हो गया। आर ए इक्वल टू आर डी कितना हो गया आपका? पी हो गया। सो आर ए और आर डी दोनों कितने हो गए आपके? पी हो गए आपके। आर ए आर डी इक्वल टू पी आपका हो गया। ठीक है, यहां पे अपन ने क्या सेक्शन कहां पे लेना है? लास्ट वाले स्पान पे सेक्शन अपने को लेना है और डिस्टेंस कितनी कंसीडर करनी है? यहां से अक्स डिस्टेंस अपने को कंसीडर करनी है। अक्स डिस्टेंस यहां से अपने को कंसीडर करनी है, लेफ्ट स्पान से अक्स डिस्टेंस के ऊपर अक्स सेक्शन अपन ने कंसीडर करा है, अक्स सेक्शन अपन ने कंसीडर करा है। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा। मोमेंट इक्वेशन कितनी हो जाएगी आपकी आर इंटू में एक्स माइनस पी इंटू ये डिस्टेंस कितनी हो गई पी की, यहाँ से एक्स में से एल बाई थ्री माइनस कर दो तो माइनस पी इंटू एक्स माइनस एल बाई थ्री, यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई माइनस पी इंटू एक्स माइनस टू एल बाई थ्री, माइनस पी इंटू एक्स माइनस टू एल बाई थ्री। I am x equal to आर ए इंटू में एक्स, आर ए इंटू में एक्स ऑब्लिक माइनस पी इंटू एक्स माइनस एल बाई थ्री, माइनस पी इंटू एक्स माइनस एल बाई थ्री माइनस पी इंटू एक्स माइनस 2L बाई थ्री। यह आपकी मोमेंट इक्वेशन हो गई। सो क्या हो गया ए आई डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स इक्वल टू कितना हो गया आर ए इंटू में एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस एल बाई थ्री। एक्स माइनस एल बाई थ्री ये आपका हो गया। यहाँ पे अब यहाँ पे अपने को क्या करना है इंटीग्रेशन करना है ए आई डी वाई ओवर डी एक्स। सो देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो गया आर ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन माइनस पी एक्स माइनस एल बाई थ्री स्क्वायर बाई टू माइनस पी एक्स माइनस टू एल बाई थ्री स्क्वायर बाई टू। ठीक है ये आपका हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट एक बार और करेंगे इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो गया ए आई इसका हो गया वाई इक्वल टू आर ए इंटू एक्स क्यूब अपॉन में सिक्स प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू ऑब्लिक माइनस पी एक्स माइनस एल बाई थ्री क्यूब अपॉन में सिक्स माइनस पी एक्स माइनस टू एल बाई थ्री का क्यूब अपॉन में सिक्स ये हो गया आपका। ये अपन ने कंप्लीट इंटीग्रेशन कर दिया। अब अपने को क्या करना है इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है अपने को C1 एंड C2 की। सो देखो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं एट x इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू जीरो देखो कहां पे x इक्वल टू जीरो यहां पे। तो पहला स्पान कंसीडर करेंगे केवल फर्स्ट स्पान का मोमेंट x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू कितना है जीरो। तो अपन ने क्या करा केवल ये स्पान ये मोमेंट इक्वेशन पहली वाली कंसीडर करिए केवल। सो x इक्वल टू जीरो यहाँ पुट करा तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना होगा जीरो, x इक्वल टू जीरो यहाँ पुट करा तो c2 यहाँ से कितना आ गया आपका जीरो। बाकी की टर्म को भूल जाओ अभी, बाकी की टर्म को भी भूल जाओ। तो x इक्वल टू जीरो पुट करा तो यहाँ पे c2 की वैल्यू कितनी आ गई x इक्वल टू जीरो पे y आपका जीरो रहेगा तो यहाँ से c2 इक्वल टू कितना हो गया आपका जीरो। सो देखो यहाँ पे एट x इक्वल टू जीरो y कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो C2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी जीरो, C2 की वैल्यू होगी x जीरो पे y आपका जीरो हो जाएगा और C2 आपका कितना हो जाएगा C2 आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं एट x इक्वल टू एल at x equal to L y equal to 0 at x equal to L पे क्या हो जाएगा आपका y equal to 0 हो जाएगा। x equal to L पे यहां पे y equal to कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। at x equal to L यहां से यहां तक x equal to L पे y equal to कितना हो जाएगा आपका 0। एट एक्स इक्वल टू एल पे y इक्वल टू कितना जाएगा आपका, जीरो जाएगा। x इक्वल टू एल पे y इक्वल टू जीरो। देखो यहां पे x इक्वल टू एल पे ये y वाली टर्म को जीरो रख दिया, तो यहां पे देखो कितना जाएगा पी एल क्यूब अपॉन में सिक्स, पी एल क्यूब अपॉन में सिक्स प्लस सी वन एल, प्लस सी वन एल माइनस पी बाई सिक्स एल माइनस एल बाई थ्री, एल माइनस एल बाई सॉरी स्क्वायर क्यूब है यहां पे, है ना, पावर थ्री है, पावर थ्री माइनस पी बाई सिक्स, माइनस पी बाई सिक्स एल माइनस टू एल बाई थ्री का क्यूब। ये एक्स इक्वल टू एल पे अपन ने क्या करा, y इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। एक्स इक्वल टू एल पे y इक्वल टू जीरो अपन ने पुट कर दिया यहां पे, कहां पे, एक्स इक्वल टू एल के ऊपर। एक्स इक्वल टू एल पे अपन ने क्या करा, y इक्वल टू जीरो पुट कर दिया यहां पे, ठीक है। तो यहां से c1 की वैल्यू इसको कैलकुलेट करते हैं, सोल्व करते हैं, तो c1 यहां से कितना निकल के आ गया, c1 माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन में नाइन, माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन में नाइन। c1 कितना हो जाएगा, माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन में नाइन, ये हो जाएगा आपका। अब देखो अपने को क्या करना है, स्लोप निकालना है, थीटा ए एंड थीटा बी, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे क्या करना है, स्लोप अपने को निकालना है। So, at x equal to L पे y equal to कितना होगा आपका, जीरो होगा, ठीक है। x equal to L पे y equal to कितना हो गया आपका, जीरो, ठीक है। c1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन में नाइन, माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन में नाइन, यह आपकी c1 की वैल्यू आ गई यहां से, माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन में नाइन। अब देखो इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ स्लोप, स्लोप की इक्वेशन अपन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए आई डी वाई ओवर डी एक्स, ए आई डी आई ओवर डी एक्स पी एक्स स्क्वायर बाई टू, पी एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन में नाइन ऑब्लिक माइनस पी एक्स माइनस एल बाई थ्री का स्क्वायर अपॉन में टू माइनस पी बाई टू, माइनस पी बाई टू एक्स माइनस टू एल बाई थ्री का स्क्वायर, ठीक है। यह आपकी क्या हो जाएगी, स्लोप इक्वेशन हो जाएगी। यह आपकी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ स्लोप। यह आपकी स्लोप की इक्वेशन होगी, किसकी इक्वेशन हो गई है, यह आपकी स्लोप की इक्वेशन हो गई यहां पे, ठीक है। अब देखो C1 और C2 की वैल्यू पर निकाल चुके हैं, यहां पे रख भी दिया अपन ने। C1 तो जीरो आया था, C2 माइनस पी स्क्वायर बाई नाइन आया था। अब जिस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए उस अक्स की वैल्यू उस पॉइंट पे रख दो। जैसे आपको A पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो A पे एक्स इक्वल टू कितना है, जीरो, तो स्लोप एट, स्लोप एट, स्लोप एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना हो जाएगा, थीटा ए। अब x इक्वल टू 0 में तो पहला स्पान है, तो कौन सी इक्वेशन आएगी? केवल ये वाली इक्वेशन ही आएगी, बाकी की दोनों इक्वेशन आपकी नहीं आएगी। तो क्या हो गया, ए आई डी वाई ओवर डी एक्स x इक्वल टू 0 पे। देखो x इक्वल टू 0 पे डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो गया, थीटा ए, यहां 0 पुट करा, ये कितना हो गया माइनस पी एल स्क्वायर बाई 9। सो थीटा ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन में 9 ए आई। थीटा ए माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन में 9 ए आई, ये थीटा ए आ गया आपका। और कहां पे थीटा फाइंड आउट करना है, बी पे भी थीटा आपको निकालना है, थीटा बी पे भी आपको निकालना है, बी सॉरी नहीं बी नहीं डी पॉइंट, यहां पे भी थीटा निकालना है। यहां पे अक्स, ये पॉइंट कहां पे है, अक्स इक्वल टू एल पे, मतलब तीनों टर्म आपकी कंसीडर होगी, तीनों स्पान के मोमेंट की इक्वेशन आपकी कंसीडर होगी। देखो यहां पे स्लोप एट अक्स इक्वल टू एल पे कितना स्लोप हो जाएगा आपका, थीटा डी, और तीनों टर्म आपकी यहां पे आएगी। तो देखो कितना हो गया, ए आई डी वाई बाई डी एक्स स्लोप की इक्वेशन है, थीटा डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो अक्स इक्वल टू एल पुट कर दो, पी एल स्क्वायर बाई 2 माइनस पी एल स्क्वायर बाई 9। अब इस वाली टर्म को भी कंसीडर करेंगे, माइनस पी एल माइनस एल बाई 3 का स्क्वायर बाई 2, आगे वाली टर्म भी आएगी माइनस P बाई 2, अब ये ओब्लिक साइन हट जाएगा, मतलब L माइनस 2L बाई 3 का स्क्वायर। देखो यहां पे जब इसको सोल्व करते हैं तो ये जो वाली पूरी टर्म है, ये पूरी को जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आपकी निकल के आती है पी एल स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस पी एल स्क्वायर अपॉन में 9 निकल के आती है जब इसको पूरी को अपन सोल्व करते हैं। सो ए आई थीटा डी इक्वल टू प्लस पी एल स्क्वायर अपॉन में 9, थीटा डी इक्वल टू प्लस पी एल स्क्वायर अपॉन में 9 ए आई, ये आपका हो जाएगा थीटा डी हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका थीटा डी हो जाएगा, प्लस पी एल स्क्वायर अपॉन में 9 ए आई प्लस पी एल स्क्वायर अपॉन में 9, यही आपका क्या हो जाएगा थीटा डी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा प्लस पी एल स्क्वायर अपॉन में 9 यही। सो डिफ्लेक्शन एट मिड पे डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। अब एक और चीज आपसे पूछी है, क्या पूछी है, मिड पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। अब देखो मिड पे पूरी लेंथ कितनी है यहां से यहां तक, एल है, तो मिड वाली लेंथ कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, एल बाई 2। सो डिफ्लेक्शन कहां पे निकालना अपने को, एल बाई 2 पे। सो डिफ्लेक्शन एट एक्स इक्वल टू एल बाई 2, डिफ्लेक्शन एट एक्स इक्वल टू एल बाई 2। सो डिफ्लेक्शन एट एक्स इक्वल टू एल बाई 2, एक्स इक्वल टू एल बाई 2 पे आपका डिफ्लेक्शन मैं लिख देता हूं वाई, मिड पॉइंट क्या था आपका, नाम दे रखा कुछ वाई सी लिख देते, सेंटर या कुछ और लिख के, सी नाम तो दिया हुआ है, इसको अपन लिख देते हैं मिड पे एम, वाई मिड अपन में लिख देता हूं यहां पे वाई मिड, ठीक है। वाई मिड के ऊपर आपको क्या करना है, सो डिफ्लेक्शन एट एक्स इक्वल टू एल बाई 2, एक्स इक्वल टू एल बाई 2 पे आपको क्या करना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन लिखते हैं ए आई वाई इक्वल टू, यही डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है आपकी, क्या हो जाएगा आपका ए आई वाई इक्वल टू पी एक्स क्यूब बाई 6, डिफ्लेक्शन की इक्वेशन यही है ना आपकी, पी एक्स क्यूब बाई 6 माइनस C1 तो जीरो था, C2 कितना था, पी एल स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू में एक्स ऑब्लिक माइनस पी बाई 6 एक्स माइनस एल बाई 3 का क्यूब माइनस पी बाई 6 एक्स माइनस एल बाई 3 का क्यूब माइनस पी बाई 6 एक्स माइनस 12 बाई 3 का क्यूब। ठीक है, सो एक्स इक्वल टू एल बाई 2 पे अब देखो कौन कौन सी टर्म कंसिडर होगी। एक्स इक्वल टू एल बाई 2 की अपन बात करते हैं, एक्स इक्वल टू एल बाई 2, एक्स इक्वल टू एल बाई 2 ये मिड वाली टर्म, x इक्वल टू एल बाई 2 यहाँ पे, तो पहली इक्वेशन, पहले स्पान की इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन, यहीं तक की बात होगी, तीसरा तो स्पान आएगा ही नहीं। सो ये जो आपका स्पान है इस ये इसको तो कंसिडर ही नहीं करना, इसको तो जीरो रख देना अपने को। तो कितना हो गया ए आई वाई इक्वल टू पी एक्स क्यू बाई 6 ए आई y इक्वल टू पी एक्स क्यूब बाई 6 माइनस पी एल स्क्वायर बाई 9 इंटू में x माइनस पी बाई 6 इंटू x माइनस एल बाई 3 का क्यूब माइनस पी बाई 6। सो ए आई वाई इक्वल टू पी एक्स क्यूब बाई 6 माइनस पी एल स्क्वायर बाई 9 इंटू में एक्स माइनस पी बाई 6 एक्स माइनस एल बाई 3 का क्यूब, ये आपका हो जाएगा ए आई वाई इक्वल टू पी एक्स क्यूब बाई 6 माइनस पी एल स्क्वायर बाई 9 इंटू एक्स माइनस पी बाई 6 एक्स माइनस एल बाई 3 का क्यूब ठीक है। अब देखो अपन बात कर रहे हैं डिफ्लेक्शन की। सो कहां पे एट एक्स इक्वल टू एल बाई 2 पे अपने को डिफ्लेक्शन निकालना है, और कहां का डिफ्लेक्शन है, मिड का डिफ्लेक्शन है। तो देखो यहां पे एक्स इक्वल टू एल बाई 2 तो क्या हो जाएगा ए आई वाई मिड एक्स इक्वल टू एल बाई 2 पी इंटू एल बाई 2 का क्यूब अपॉन में 6 पी एल स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू एल बाई 2 माइनस पी बाई 6 एल बाई 2 माइनस एल बाई 3 का क्यूब ए आई वाई मिड कितना हो जाएगा, कितनी वैल्यू यहां से हो जाएगी, सोल्व करके देखते हैं अपन कितनी वैल्यू आ रही है। कर लेंगे यार इसको सोल्व, देखो ये हो जाएगा पी एल क्यूब अपॉन में 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48 पी एल क्यूब अपॉन में 48 माइनस पी एल क्यूब अपॉन में 18 माइनस पी अपॉन में 6। यहां पे देखो ये कितना हो जाएगा आपका एलसीएम 6 3l माइनस 2l मतलब l बाई 6 का क्यूब, तो l क्यूब 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 36 इंटू में मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितनी वैल्यू आ रही है आपकी 108, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहां से y मिड आप निकाल लोगे, बस इससे डिवाइड कर देना, सबको क्या करना है इससे डिवाइड कर देना, और अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करना है यार। ठीक है, तो यहां से जो भी y मिड की आपकी वैल्यू आएगी ये आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ये ऐसे अपन मैकलरी मेथड बहुत आसान मेथड है, कुछ है ही नहीं, देखो सिंपल है ना, कैलकुलेशन है मानता हूं। नेक्स्ट मेथड की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड आपका एरिया मोमेंट थ्योरम या एरिया मोमेंट मेथड। नेक्स्ट आपका मेथड है एरिया, देखो एक जो मेथड है ना स्ट्रेन एनर्जी मेथड, वो स्ट्रेन एनर्जी मेथड आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सिलेबस में नहीं है, वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के सिलेबस में है, टोस में आप उसको पढ़ोगे, सोम के अंदर वो सिलेबस के अंदर नहीं दे रखा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे थोड़ा सा, आप टोस के अंदर उसको पढ़ोगे, ठीक है, फिर भी उसको देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। एरिया मोमेंट थ्योरम, एरिया मोमेंट थ्योरम, किसकी बात कर रहे हैं अपन? एरिया मोमेंट थ्योरम और मोहर्स थ्योरम, और क्या नाम है इसका? मोहर्स थ्योरम। एरिया मोमेंट थ्योरम और मोहर्स थ्योरम, एरिया मोमेंट थ्योरम और मोहर्स थ्योरम, एरिया मोमेंट थ्योरम और मोहर्स थ्योरम। It is suitable for prismatic and non-prismatic member. It is suitable for prismatic and non-prismatic member. एट ए सुटेबल फॉर प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर। एरिया मोमेंट थ्योरम या मोहर्स थ्योरम किसके लिए सुटेबल है? ये प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर के लिए सुटेबल है, बट इट इज फाउंड टू बी अनसुटेबल फॉर बीम जो इंटरनल हिंज रखती है, but it is found to be unsuitable, for beam containing internal hinges, it is found to be unsuitable for beam containing internal hinges. It is suitable when it is suitable when नंबर ए, कब सुटेबल है? इट इज इजी टू ड्रॉ एम अपॉन में ए आई डायग्राम, इट इज इजी टू ड्रॉ, एम अपॉन में ए आई डायग्राम, It is easy to draw IM upon me AI diagram and easy to find area and easy to find area and center of gravity. of easy to find area and easy to draw area and center of gravity of m upon में ei डायग्राम। ठीक है, यह आपका हो जाएगा ए। इट इज इजी टू ड्रॉ एम अपॉन में ई आई डायग्राम। एम अपॉन में ई आई डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे अपन। एंड इजी टू फाइंड एरिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एम अपॉन में ई आई डायग्राम। ये कब सुटेबल है? जब आप एम अपॉन में ई आई डायग्राम या फिर एम अपॉन में ई आई छोड़ो, आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे, ऐसी बीम के लिए ये मेथड आपका सुटेबल है। ठीक है, it is suitable when A, it is easy to draw M upon में EI diagram and easy to find area and center of gravity of M upon में EI diagram। नेक्स्ट बात करते हैं B पॉइंट की। It is easy to find zero slope and zero deflection। It is easy to find, it is easy to find zero slope and zero deflection। It is easy to find zero slope and zero deflection। It is easy to find zero slope and zero deflection such as cantilever zero deflection, such as cantilever simply supported beam, such as cantilever simply supported beam, with symmetrical loading, beam with symmetrical with symmetrical loading etc, ठीक है। देखो